अभी हमने क्या बात करी, जीन क्रॉप के बारे में या ट्रांसजेनिक क्रॉप, जिस तरीके से हमने जीन इंसर्ट करा के पौधों की नई नई प्रजातियां उत्पन्न करी है विशिष्ट गुणों वाली, ऐसे ही हम जंतुओं के अंदर भी जो हमारे लिए आर्थिक महत्व के जंतु होते हैं, जिनसे हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक फायदा होता है, उनके अंदर भी हम कुछ अच्छे गुण उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे जीव जो उन जीवों के अंदर कुछ नए और अच्छे गुण उत्पन्न करते हैं वो जीन क्या कहलाते हैं, ट्रांस जीन। और इनके कारण जीवों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो एक नई वेराइटी वाले जीव का विकास हो रहा है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु, या हिंदी में कहते हैं इसको परजीवी जंतु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन में डेफिनेशन, ये जीवों के अंदर एक से अधिक जीन को प्रविष्ट कराया जाता है जिससे उनकी गुणवत्ता में, चाहे हम उनसे अंडे ले रहे हों, मांस ले रहे हों, दूध शहद जो जो भी उत्पाद होता है, भेड़ से हम ऊन ले रहे हैं, जिससे जो फायदा मिल सकता है वो अधिक लेने के लिए उनके अंदर हम एक से अधिक जीन का इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, फिर इनके अंदर हम करा चुके हैं कीट, मछलियाँ, कुक्कुट, चूहे, खरगोश, भेड़, बकरी, ये सारे मवेशी की श्रेणी में आते हैं जिनको अपन अपने आर्थिक फायदे के लिए क्या करते हैं, पालते हैं, पशुपालन। ठीक है, और इनमें जीन इंसर्ट करा के हम क्या कर लेते हैं, वांछित लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सरल है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, ये जो ट्रांसजेनिक जंतु है इनको हमको बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं हमको, ये कुछ के बारे में लिखा है सबके लिए तो नहीं। अब गाय से हमको मांस भी मिलता है और दूध भी मिलता है, तो उसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, तो कुल मिलाकर फायदा ही होगा। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट हटा दो, जो एक गाय है ट्रांसजेनिक, जिसके अंदर दूध और मांस उत्पादन के लिए जीन प्रविष्ट कराए गए, तो उसका नाम क्या रखा, रोजी। और कौन से जीन इंसर्ट कराए, उससे उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, ज़्यादा अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन का, उसके दूध हम क्यों पीते हैं, प्रोटीन मिले, तो उस जीन इंसर्ट कराने के बाद जो हमें गाय मिली वो विशेष प्रजाति वाली रही, तो रोजी नाम दिया गया उसको, और उसके दूध में अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन भी एक का पाई है, ये फायदा है। फिर आगे देखिए, अनेक प्रकार के लाभकारी चिकित्सीय प्रोटीनों का विकास किया गया इसके द्वारा। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीन इंसर्ट कराते हैं। फिर परजीवी शुगर, शुगर क्या होते हैं, सुअर, शुगर, हाँ, शुगर मीन्स सुअर, इनके अंदर क्या करा, मानव जीन ट्रांसमिट किए गए, स्थानांतरित किए गए, जिससे अब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है कि एंटीजन बाहरी पदार्थ है, उसके अगेंस्ट जीवों के शरीर में विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, उन्हीं को हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक, तो शुगर के अंदर मानव के जीन डाल रहे हैं हम, तो वो उस शुगर के लिए तो क्या है, एंटीजन है, वो उनकी बॉडी में जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, या हो सकता है वो उनको क्या करेगी, एंटीजन को सहन कर लेगी, समझ रहे हैं, तो ये लिखा है हमने कि उनके अंदर मानवीय एंटीजन को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमें से वो भी लगभग सेम ही है एंटीजन, तो एंटीजन को धारण कर लेते हैं, जिससे अब उसके जो ऑर्गन है, कौन, हार्ट, किडनी, पेक्रियास, अग्नाशय, लीवर, ये उस सुअर के अंग हम ह्यूमन बीइंग में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, क्योंकि इसके अंदर वही एंटीजन और वही एंटीबॉडी बन जाएंगे जो हमारे अंदर बनते हैं, तो अब हम इन अंगों का ट्रांसप्लांट मनुष्यों के अंदर करेंगे तो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, स्वीकार कर लेगी,
तो ऑर्गन यदि नहीं मिल रहे हैं तो ये भी ममेल से इनके भी ऑर्गन जीवों के शरीर के मनुष्यों के शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। फिर ये तो कुछ ही फायदे हुए हैं, फिर फायदा है तो नुकसान भी होगा कि जितने भी ट्रांसजेनिक जीव हैं ये पर्यावरण को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा होता है कि ये इनसे जो उत्पाद मिलेंगे, मान लो उसका दूध पिया हमने, अधिक अंडे खाते हैं हम, तो जिसमें हमने इंसर्ट किया है कुकुटों में उनसे अंडे तो मिल रहे हैं, लेकिन किसी जीव विशेष में क्या होगी, एलर्जी होगी या किसी जीव के अंदर जाकर वो क्या करेंगे, भोजन विषाक्तता विष उत्पन्न कर देंगे, तो उस जीव के अंदर हो सकता है इंटरनल ऑर्गन के कैंसर या कोई हमेशा के लिए उसमें किसी प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाए, एलर्जी आ जाएगी। इस तरीके से फायदा भी है तो उनका भी क्या है, नुकसान भी है, कोई दिक्कत। इस तरीके से आज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, जीएम क्रॉप और ट्रांसजेनिक जंतु।